समाचार अब विस्तार के साथ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लगातार पर्चे आउट होने से दुखी छात्र मोर्चा लेने सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी मशीन इजाद की है जो हाथों की रेखाओं के जरिए इंसान को उसकी बीमारी का पता बता देगी। एक्यूलाइफ मैग्नेटिव वेव नामक इस मशीन का इजाद चीन के ख्याति प्राप्त चिकित्सक जियाली चैंग ची चैंग द्वारा 10 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद किया गया। ताइवान में तैयार इस मशीन की विशेषताएं ये हैं कि इसके जरिए शरीर की किसी भी बीमारी का न केवल आसानी से पता लगाया जा सकता है बल्कि मशीन रिलीफ भी देती है। इसकी खासियत ये भी है कि बीमारी का पता हाथ के पंजे से लग जाता है। मशीन से जुड़े दो यंत्रों में से एक को कान में लगाया जाता है जबकि दूसरे को पंजे में बनी रेखाओं पर टच किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत मशीन के उस बटन को दबाया जाता है जिससे बीमारी जानी जाती है। पंजे पर यंत्र घुमाने के दौरान जैसे ही मच्छर काटने जैसा एहसास होता है और बीमारी का पता लग जाता है। यदि कुछ नहीं हो तो समझें कि आपको वो बीमारी नहीं है जिसकी जांच की गई थी। ये मशीन अभी भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं है जबकि यूरोप एवं एशिया के तमाम देशों में इस मशीन ने खासा स्थान बना लिया है। अमेरिका के सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को इंदौर के एमवाय अस्पताल में इस मशीन की ट्रायल ली गई। इस दौरान सर्जरी विभाग की मुखिया डॉक्टर सतीश शुक्ला, मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर पी के बनर्जी, डॉक्टर एस अग्निहोत्री के अलावा अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। मशीन की विशेषताओं के संबंध में जानकारी ताइवान निवासी शुभम अग्निहोत्री द्वारा दी गई। डॉक्टर बनर्जी ने मशीन को बेहतर बताया है। उन्होंने सी न्यूज से कहा, इलाज किया उसके बाद में मेरे जो बैक में पेन था वो काफी हद तक कम हुआ और इन्होंने जो हाथ में लोकलाइज किया तब उस जगह से जगह पर जो इनके पॉइंटर्स थे वो ठीक जगह पर बताते थे कि इस जगह पर तकलीफ है।